आंटी जी से मिले हैं हम शिवालय में, जहाँ ये तन मन धन से पूजा में लीन थे। और ये भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं आंटी जी, और ये उपाय कर रहे थे तो जिससे पता चला कि आंटी जी हमारी सब्सक्राइबर भी है और पंडित जी की कथा भी सुनते हैं। तो आंटी जी आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है? मैं देखिए जयपुर में भी रहती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ, दोनों जगह रहती हूँ। तो मैंने उपाय भी किए हैं, बहुत उपाय किए हैं, मैंने 3-4 उपाय किए हैं, मेरा बेटी सफल हुआ था। सफल हुआ? हाँ। कौन कौन से उपाय किए? मेरे बेटी की किडनी चेंज करवाई है, तो मेरे बेटे की चेंज करवाई तो एक वो होता है, चेक होता है अंदर से किडनी चेंज होती है, कुछ बोलते हैं उसको, मैं समझती नहीं हूँ इंग्लिश में। तो मैं वहाँ गई की ओर, तो मैं वहाँ बोली भगवान से, हे भोलेनाथ कुबलेश्वर बाबा, उसके ये होना नहीं चाहिए टाइप से। तो बच में जाके वहाँ डूब दी और वो हो गया, उसका कैंसिल हो गया। अच्छा, तो आंटी जी बता रहे हैं कि इनकी बेटी का किडनी चेंज हुआ है, बेटे का किडनी चेंज हुआ है, उनकी मनोकामना पूरी हुई है, कोई ऐसा टेस्ट में बीमारी आने वाली थी तो सीहोर जाकर आए हैं और फिर वो बीमारी नहीं आई। टेस्ट नहीं, बीमारी तो है उसकी, किडनी तो बची है उसका, वो ज्यादा कोई दुखिया नहीं हुआ, कुछ होता ना। अच्छा अच्छा, था तो वो कैंसिल हो गया, फिर उसके वो कैंसिल हो गया, अब उसी कामना के लिए सीहोर। अच्छा, और कौन से उपाय किए आपने? मैं यहाँ पशुपतिनाथ का भी व्रत किया था उसके लिए, तो पहले उसके मतलब उसको चलता ही रहता है, बीमारी तो रहती है ना, पर मैं उसको कहती हूँ भाई ये भोलेनाथ मैं ऐसे करूँगी तो इससे इसका ये हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो वो हो जाता है, हो जाता है जी। हाँ। तो आंटी जी की बहुत श्रद्धा है, आंटी जी पशुपति व्रत भी किए हैं, सीहोर भी जाके आए, वहाँ का रुद्राक्ष भी लेकर आए हैं आंटी जी, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप रोज कथा सुनते हैं? हाँ, मैं रोजाना सुन रही हूँ, पर अभी नहीं सुन रही थी, मैं इसी बार नहीं सुना, मैंने हमेशा सुना, बाकी हमेशा आप कथा सुनते हो। मैं वहाँ 2-3 बार जाके भी, 3-4 बार गई मैं। अच्छा, 3-4 बार आंटी जी सीहोर भी जाकर के आए, इनकी सारी मनोकामना पूरी भी हुई है। तो बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं और उनके द्वारा बताया अगर आपने कोई भी उपाय किया हो और आपकी मनोकामना अगर उस उपाय से पूरी हुई है, तो आप भी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर वीडियो बना करके सेंड कर सकते हैं।